हेलो एवरीवन, आई एम आंचल मलिक एंड आज मैं बात करना चाहती हूँ अबाउट माय लेट ब्रदर शिवम मलिक. सो इट टुक मी अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, अ लॉट ऑफ टाइम टू कम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड डिस्कस इट. बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आई वॉन्ट एवरीवन इन दिस कंट्री, एवरीवन इन दिस वर्ल्ड टू नो, स्पेशली अबाउट द कंपनी ही हैज़ बीन वर्किंग विद. सो माय ब्रदर शिवम मलिक, वो एंग्लो ईस्टर्न शिप मैनेजमेंट कंपनी के साथ में वर्क कर रहा था एंड ही वॉज विद दिस कंपनी सिंस अ लॉन्ग टाइम. एंड ही वॉज 24 ईयर्स ओल्ड, यंग बबली पर्सन, वेरी लविंग, वेरी कंपैशनेट, वेरी काइंड विद एवरी वन. ही वॉज द फेवरेट सन, फेवरेट ब्रदर, फेवरेट फ्रेंड, फेवरेट कलीग ऑफ एवरी पर्सन. ही वॉज देयर फॉर एवरी वन, इवन इफ इट इज यू नो दैट पर्सन इज नॉट हिज फ्रेंड, दैट पर्सन इज नॉट हिज फैमिली मेंबर, बट ही वॉज देयर टू हेल्प दैट पर्सन. सो एवरीथिंग वॉज गोइंग गुड. ही बोर्डेड ऑन शिप ऑन 29th ऑफ ऑगस्ट. पर 29th ऑगस्ट पर शिप बोर्ड करने से पहले देर आर अ लॉट ऑफ डिफरेंट प्रोसीजर्स दैट हैपन. लाइक उसके फिजिकल टेस्ट हुए, उसके मेंटल टेस्ट हुए. फिजिकल टेस्ट में दे चेक कि उसको कोई बीमारी तो नहीं है, कोविड तो नहीं है, एवरीथिंग. उसका ब्लड प्रेशर, उसका एवरी जो भी हमारे फिजिकल बॉडी में जो भी एग्जामिनेशन होते हैं उन लोगों ने वो किए हैं. देन इन लोगों ने इसके मेंटल टेस्ट लिए हैं टू चेक इफ ही इज एक्चुअली एलिजिबल टू गो ऑन बोर्ड, टू गो ऑन द शिप और नॉट. उसके बाद में ही वॉज क्वारंटाइंड फॉर डिफरेंट डिफरेंट फेजेस, फॉर डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड एट डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस. तो वो इंडिया में, वो इंटरनेशनल होटल्स में, वो सब जगह पे 7 to 14 days के लिए क्वारंटीन हुआ है 2 to 3 times. एंड एट दैट टाइम ऑल्सो ही वॉज अलोन इन हिज होटल रूम. सो ही हैड हिज ओन यूट्यूब चैनल इज वेल, वेयर ही पोस्टेड हिज लास्ट वीडियो ऑन 27th ऑफ ऑगस्ट. उसके बाद में 29th ऑगस्ट को वो शिप पे चढ़ गया एंड शिप्स नेम वो शैनडोंग जी है एंड इट इज अ शिप बाय एंग्लो ईस्टर्न शिप मैनेजमेंट कंपनी जिसके साथ में वो काफी टाइम से वर्क कर रहा था. एवरीथिंग वॉज गोइंग गुड, वी वर इन कॉन्स्टेंट टच. वो हमें टेक्स्ट करता था, कॉल करता था, वीडियो कॉल, नॉर्मल कॉल. ही यूज टू सेंड अस वीडियोज एज वेल. आई गेस ऑन 23rd और 24th ऑफ सेप्टेम्बर उसने हमें डॉल्फिन्स की वीडियो भेजी एंड ही वॉज जस्ट जोकिंग विद माई मदर एज वेल कि ध्यान से देखना इसमें डॉल्फिन्स हैं. सो ही वॉज लाइक दैट. देन ऑन 30th ऑफ सेप्टेम्बर ही टेक्स्टेड माई फादर दैट ही विल कॉल अस ऑन 2nd ऑफ अक्टूबर जिब्राल्टर पहुंच के. सो दैट नेवर हैपेंड बिकॉज ऑन 2nd ऑफ अक्टूबर वी वर वेटिंग फॉर हिज कॉल एंड माई फादर वॉज वेटिंग फॉर हिज कॉल. सो समन फ्रॉम एंग्लो ईस्टर्न कॉल्ड हिम एंड इन्फॉर्म्ड हिम दैट शिवम वॉज फाउंड हैंगिंग इन बोथ रस्ट रूम. सो एंड दिस एक्सीडेंट हैपन्ड ऑन 1st अक्टूबर बट दे इन्फॉर्म्ड अस ऑन 2nd अक्टूबर एंड दैट ऑल्सो आई गेस अराउंड 14 to 18 hours आफ्टर द एक्सीडेंट एक्चुअली हैपन्ड. सो 1st अक्टूबर को उसको डेड डिक्लेयर किया गया और इन लोगों ने हमें 2nd अक्टूबर को इन्फॉर्म किया दैट ऑल्सो जस्ट ऑन अ कॉल. एंड कंपनी ने हमें एक लेटर दिया. उस लेटर में इन लोगों ने हमें ये लिख के दिया कि 8 बजे कंपनी का जो डॉक्टर है उसने इन शिवम को डेड डिक्लेयर कर दिया एंड उसके बाद में 11 बजे इन लोगों ने उसके मॉर्टल रिमेन्स को, उसकी बॉडी को फिश रूम में रखा है 3 आवर्स तक. आई डोंट नो व्हाट दे वर डूइंग विद हिज बॉडी. उसके बाद में देन फिश रूम का जो टेम्परेचर होता है, दे हैव रिटन इट बाय देयर इन दैट लेटर कि फिश रूम का टेम्परेचर इज एक्चुअली अराउंड -10 डिग्री, पर उन लोगों ने उसकी बॉडी रखी थी 4 डिग्रीज पे. आई डोंट नो द रीजन, बट एक छोटे बच्चे को भी पता है कि 4 डिग्री पे बॉडी ज्यादा जल्दी डिकम्पोज होगी और -10 डिग्री पे बॉडी इतनी जल्दी डिकम्पोज नहीं होगी. दैट इज अ कॉमन सेंस, नो प्रॉब्लम. उसके बाद में वी केप्ट आस्किंग फॉर प्रूफ. हम लोगों ने इनको कॉल्स करे, हमने इनको ईमेल करे, बिकॉज फॉर अस वी वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट. उसने हमें 30 तारीख को टेक्स्ट किया है. ही वॉज सो हैप्पी, ही हैड हिज होल लाइफ प्लान. उसका लाइफ पूरा का पूरा प्लान था. उसको 25 तक, ही वॉज 24, 25 तक उसको घर लेना था, 26 तक उसको शादी करनी थी. एवरीथिंग वॉज वेल प्लान्ड, बट वी वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट. सो वी केप्ट आस्किंग फॉर प्रूफ. इन लोगों ने हमें कोई फोटो नहीं दिखाया.